मानव शरीर के रक्त में चार चीजें होती हैं, रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा होता है। शरीर में वायरस आने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। वायरस से लड़ने के लिए शरीर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रक्त में मौजूद प्लाज्मा की होती है। चलिए अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में कैसे मददगार हो सकती है। इस थेरेपी के तहत कोरोना से हाल में ठीक हुए मरीज से कोरोना संक्रमित मरीज को खून दिया जाता है। आमतौर पर वायरस ठीक हुए मरीज के खून में एंटीबॉडी विकसित होती है। ये एंटीबॉडी वायरस संक्रमण से लड़ सकती है। ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा थेरेपी के तहत एंटीबॉडी वाले खून के हिस्से को इकट्ठा कर नए मरीजों में चढ़ाया जाता है। एंटीबॉडी वाले खून के हिस्से को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। इसलिए इस थेरेपी को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। जो मरीज कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे, एंटीबॉडी मिलने से उनके शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत आ जाती है। उस समय तक प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ पुराने सार्स के मरीजों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें। डॉक्टर सरीन के मुताबिक कोरोना वायरस जब शरीर पर हमला करता है तो इसके तीन चरण होते हैं। पहला चरण जब वायरस शरीर पर हमला करता है, दूसरे चरण को पल्मोनरी स्टेज कहते हैं। इसमें फेफड़ों को नुकसान होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी दौर में प्लाज्मा थेरेपी मददगार हो सकती है। तीसरा चरण आखिरी स्टेज होता है। इस स्टेज में महत्वपूर्ण अंगों के नाकाम होने की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टर सरीन के मुताबिक ठीक हुए मरीजों को दूसरे मरीजों की मदद में सामने आना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक लड़का था, बिल्कुल यंग, और वो आया रात को 1:30 बजे, और हमें लगा कि इसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला। और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो मैं चाहूँगा कि आपसे अपील भी करूँगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊँगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएं। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें। कोरोना जिस तरह से मानव समाज के लिए संकट बना हुआ है, उसे नष्ट करने के लिए जरूरी है कि कोई कोशिश ना छोड़ी जाए।